मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उनके बेटे को जेल भेजा जाए। 25,000 आदमी ले जाकर मुख्यालय का घेराव करेंगे। अरे भाग गया, भाग बना आज बगदा चल बैठेंगे। 25,000 आदमी ठूस ठूस के लाएंगे, ट्रैक्टर ट्राली पे लाएंगे, बाइक पे लाएंगे, मोटरसाइकिल पे लाएंगे। पूछो ना भैया, ना जाने कैसे लाएंगे। पर बाराबंकी जब की बसअप करना उत्तर में आने दाता किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा बैठक की गई। ऐसे बस अब इनके जिलाध्यक्ष मिल जाते हैं रमेश चंद्र यादव। ये बगदा कुल 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिनमें से बस अब इनकी 3 प्रमुख मांगे थे। पहले तो डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर के, उसके बाद बस अब बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, और साथ ही बस अब तीसरा छोटा जानवरों को तत्काल गौशाला पहुंचाया जा रहा है। आज दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। अब सुनो भैया, सुनो काका बोले हैं। अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूं मैं, मेरा नाम रमेश चंद्र यादव है। रमेश जी, किन मुद्दों को लेकर आज यहां बैठक कर रहे हैं? आज देख रहे हैं कि हर सड़क पर, हर गाँव में आवारा पशु घूम रहे हैं, जिनके कारण किसानों का भी नुकसान होता है, और दूसरी बात यह है कि जो वाहन चलते हैं उनसे उनका ज़्यादा। अभी देखिए माती चौकी को ले लीजिए, माती में एक दुर्घटना हुई जिसमें 9 लोग मर गए हैं और 27 लोग घायल हैं। इन्हीं इस बात को लेकर, और मान लीजिए कि आप देखते हैं कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है कि किसान से लेके हर आदमी बहुत परेशान है। आपके पास? हमारे पास ऐसे 5 सूत्रीय मांग हैं जिस पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन पर तत्काल ध्यान दिया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। है जैसे बिजली देहात में ऐसा होता है, कहते 18 घंटे बत्ती देंगे, लेकिन वहाँ 8 घंटा बत्ती नहीं रहती है, और बत्ती को लेकर इतनी होती कि अगर सुबह हमने पैसा दिया तभी बनेगी, और सुबह बनती है शाम को फिर बिगड़ जाती है। सही। इसलिए मेरा कहना है कि अगर ऐसी बार बार हरकत करेंगे तो तुरंत घेराव कर कम से कम 25,000 आदमी ले जाकर मुख्यालय का घेराव करेंगे। अब दूसरी ओर बस अब सुशील मिश्रा दिख गए बकायदा। बस अब एक भारतीय किसान यूनियन मजदूर दशहरी के जिला अध्यक्ष है। इनका बस अब कहना है कि मंत्री जी के बेटे की गिरफ्तारी की जाए, और मंत्री जी बकायदा भैया इस्तीफा देंगे, उनको बर्खास्त किया जाए। बकायदा लखीमपुर केस से संबंधित मामला है। अब बकायदा बस अब सुबह सुबह तो 11 बजे मंत्री जी के बेटे को उठा लिया गया, बकायदा पूछताछ शुरू कर दी गई, पर फिर भी बस अब आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं किसान नेता। सुनिए का बोले। नाम लिखते हैं किस पद पर? मेरा नाम सुशील कुमार मिश्रा है, मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी का जिलाध्यक्ष हूँ बाराबंकी का। आज किन मुद्दों को लेकर बैठक करें बाराबंकी? आज जो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का है कि जो लखीमपुर में इतना बड़ा जो नृशंस हत्या की गई भाजपा के गृह राज्य केंद्रीय मंत्री के द्वारा, उनके बेटे के द्वारा, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इतना बड़ा किसानों के साथ कांड होने के बावजूद ना तो उसको गिरफ्तार किया गया और ना तो उस मंत्री को इस्तीफा दिलाया गया। हम लोग ये चाहते हैं कि उसको तत्काल, उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाए और तत्काल उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। उनकी बातों को नहीं माना गया तो हम अनिश्चितकालीन धरना के लिए चले जाएंगे। पूरी तरीके से जो हमसे बन पड़ेगा हम किसानों भाइयों के लिए करेंगे। तो आपका सब भाषा लखीमपुर कांड को लेकर बहुत गुस्साने हैं, हिंसा को लेकर तो पूछो ना भैया। बाराबंकी का किसान भी आग बबूला है, पर बाराबंकी जब उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश दास के साथ विकास यादव की रिपोर्ट। वीडियो ऐसे सुनिएगा।